अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हुए 3D टैक्स किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे फेसबुक के आईडी के कवर पे भी देखा होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एडोब फोटोशॉप पे किस तरह से आपने 3D कवर या 3D कोई भी चीज़, आप लोगों ने नाम लिखना है, कोई भी तस्वीर लेनी है, आप लोगों ने किस तरह से बनानी है 3D में। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि हर स्टेप की जो है आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने जो है एडोब फोटोशॉप को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है ओपन कर लेना है। कोई सा भी वर्जन है, चाहे सबका तरीकेकार यही है, कितना भी पुराना है कितना भी न्यू वर्जन है, सबका तरीकेकार यही है। आप लोगों ने कंट्रोल एन करना है, यहाँ से न्यू पेज लेना है, यहाँ से साइज रख लेना है। मैं यहाँ पे वीट रख लेता हूँ 1280 मतलब, ठीक है, और यहाँ पे हाइट रख लेता हूँ 720, और यहाँ पे कर देता हूँ उसको। यहाँ पे इसका आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर लेना चाहें तो ले रहे हैं, वरना व्हाइट ही लेने। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका ले रहा हूँ, ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग कोई टेक्स्ट में 3D लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कोई भी नाम लिख लेना अपना। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर जो है अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट ये, ठीक है, इस तरह से। तो कोशिश करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे फॉन्ट रखना है इम्पैक्ट, कोई मोटा फॉन्ट हो जिस तरह से इम्पैक्ट होता है, वरना अगर आप लोग कोई और फॉन्ट भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि इससे मोटे फॉन्ट में आएगी, इम्पैक्ट जैसा फॉन्ट होता है। तो आप लोगों ने जो है इसको यहाँ पर जो है फॉन्ट रख लेना कोई भी अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम, ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा खूबसूरत सा करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ जल्दी के साथ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है अपना नाम लिख लिया इस तरह से इम्पैक्ट फॉन्ट में। अब मैं यहाँ से कंट्रोल टी करके मतलब ट्रांसफॉर्म करके इसको जो मैं यहाँ से इसका साइड छोटा बड़ा कर लेता हूँ, शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट प्रेस करते हुए, ठीक है, इस तरह से। मुझे यहाँ पर जो है इतना साइज इसका ठीक लग रहा है फोन का, और यहाँ से जो इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब नाम तो हमने लिख लिया, अब बात कर लेते हैं इसको 3D में किस तरह से करना है। आप लोग यहाँ पे दो लेयर नजर आ रही है, एक बैकग्राउंड और एक जो आपने नाम लिखा होगा, ठीक है। इस नाम वाली लेयर को पकड़ के आपने जो है यहाँ पे इस लेयर पे लाके छोड़ देना है, वरना आपको शॉर्ट की बताऊँ तो इसकी जो है कंट्रोल जे, अपने कीबोर्ड से आप लोगों ने कंट्रोल जे प्रेस करना है, तो आप लोग के नाम की जो एक और कॉपी निकल आएगी इस तरह से, ठीक हो गया। ये आ गई हमारे पास कॉपी। अब इस कॉपी में आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने जो है इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने किसी ऑप्शन में नहीं जाना है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे चैनल्स में RGB, मतलब के रेड ग्रीन और ब्लू। यहाँ पे आप लोग जो सभी जो है 3D में कलर लेना चाहते हैं, रेड लेना चाहते हैं, ग्रीन लेना चाहते हैं, ब्लू लेना चाहते हैं, तो आप लोगों ने जो उसी को सिलेक्ट रखना है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं जो यहाँ पे रेड कलर लेना चाहता हूँ 3D में, तो मैं यहाँ पर जो है ग्रीन को और ब्लू को अनचेक कर दूंगा, और रेड को जो है चेक रहने दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे टेक्स्ट में जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसकी ओरिजिनल लेयर को जो है अनहाइड करके दिखाऊँ तो यहाँ पर रेड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने जिस लेयर पे भी आप लोगों ने ये चैनल आप लोगों ने सिलेक्ट करे हैं, रेड करा है, ग्रीन कलर करा है, ब्लू करा है, उसी लेयर को आप लोगों ने सिलेक्ट करते हुए जो आप लोगों ने यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करना है, और अपने कीबोर्ड के जो अप डाउन लेफ्ट राइट वाले बटन होते हैं उनकी मदद से जो आप लोगों ने लेफ्ट बटन या राइट बटन जो भी आप लोगों ने प्रेस करना है उसकी मदद से जो है आप लोग, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर राइट राइट वाला बटन जो है राइट प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा मेरे टेक्स्ट पे, ये देखिए 3D बनना शुरू हो गया इस तरह से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये लेफ्ट पर जाए, तो उसको जो है मैं इस तरह से अपने कीबोर्ड की लेफ्ट वाली की के मदद से जो है मैं इसको लेफ्ट पर ले जाऊंगा इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ, बहुत आसानी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और यहाँ पे जो है रेड के अलावा कोई और चैनल चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि यार मैं ब्लू ले लूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करना है, ओके करना है, और यहाँ पे वही अपने कीबोर्ड की मदद से राइट या लेफ्ट एरो की आप लोगों ने प्रेस करनी, तो उस तरह से जो है आप लोग ब्लू कलर भी ले सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है, किसी कोई अगर आप लोग की पिक्चर है उसको अगर आप लोग जो है 3D में कन्वर्ट करने चाहते हैं, बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल सेम है। जस्ट आप लोगों ने अपनी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है, उसकी एक और कॉपी लेनी है, और उसको जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आप लोगों ने जो भी कलर लेना है अपने चैनल वहाँ पे सेलेक्ट करना है, रेड लेना है, ग्रीन लेना है, ब्लू लेना है, वो आप लोगों ने जो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा ट्यूटोरियल था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।